वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 17 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो यूनाइटेड नेशन है इसमें अलग अलग बॉडी है, उसमें से एक है यूएनजीए। यूएनजीए क्या बोलते हैं इसे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को जो है एक्सेप्ट किया है। बेसिकली हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया भी मेंबर है, तो इंडिया ने ये कहा है कि जो भी पीस कीपिंग फोर्स के लोग हैं उनकी जब डेथ होती है। पीस कीपिंग फोर्स क्या है? देखो यूनाइटेड नेशन में ना एक फोर्स है, उनकी एक फोर्स है। ये फोर्स वॉर नहीं करती है, लड़ाई नहीं करती है। अगर मान लो किसी कंट्री में वॉर हो रही है, किसी कंट्री में सिचुएशन अगर खराब है, तो वैसे केस में वहां पे शांति स्थापना के लिए, वहां पे पीस स्टैब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन अपना ये फोर्स भेजती है। इसको बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स। और इस फोर्स में कौन लोग होते हैं? तो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वहीं के सोल्जर्स, वहीं के सिपाही जो है ना इसमें मेंबर होते हैं। तो बहुत बार होता है कि उनका डेथ भी हो जाता है, तो उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में एक मेमोरियल वॉल बनाया जाए, ऐसा इंडिया का कहना था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और इसे मान लिया गया है। अगली करंट अफेयर है साइक्लोन बिपरजॉय। आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। तो ये फाइनली टकरा गई है, लैंडफॉल हो गया है इसका, कहां पे? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और कौन से पोर्ट के नजदीक? तो ये पोर्ट का नाम भी थोड़ा सा याद रखो, तो ये पोर्ट का नाम क्या है? झकाऊ। ठीक है, तो झकाऊ पोर्ट के करीब जो है लैंडफॉल हुआ है, तो इसलिए ये पोर्ट का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, झकाऊ। अगली करंट अफेयर है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है, तो इसका नाम बदल दिया गया है। अब यहाँ से जो है आप देखोगे मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ये तो है, लेकिन नेहरू के बदले यहाँ पे डाल दिया गया है क्या? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखना है ये। अगली करंट अफेयर देखते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो इसके जो चेयरमैन है विवेक जोहरी, तो इन्होंने अपने बाकी मेंबर्स के साथ में, बोर्ड के मेंबर्स के साथ में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम आप याद रखो, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। तो बेसिकली कार्गो को, अगर आप मान लो आप अगर बिजनेसमैन हो, आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजते हो, तो क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, तो इन सब चीजों से ये रिलेट करता है। आप नाम याद रखो, कौन सी रिपोर्ट है? नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। किसने जारी किया? तो सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। अगली करंट अफेयर देखते हैं, इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है एक प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का नाम है जूली लद्दाख। ये प्रोग्राम क्या है? तो इस प्रोग्राम के थ्रू जो यूथ है, जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारे समाज के लोग हैं, खास करके लद्दाख में, तो उनको सेंट्रल के, देखो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो है, ये बहुत सारी स्कीम चलाती है। अब बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारी स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। तो ये इसका एम क्या है कि लोगों में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानकारी बढ़ाना, लोगों को जानकारी हो, लद्दाख के लोगों को, ठीक है, ताकि वो उनका फायदा ले सके। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं, एशिया कप 2023, इसका कहां होगा, कैसे होगा, बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन फाइनली अब ये डिसाइड हो चुका है कि ये मैच जो है पाकिस्तान और श्रीलंका में करवाए जाएंगे। पहले पाकिस्तान में होना था, लेकिन इंडिया को इससे जो है, इंडिया इससे एग्री नहीं था, तो फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में होंगे। पाकिस्तान में 4 मैच होंगे, श्रीलंका में 9 मैच होंगे। ठीक है, अगली करंट अफेयर देखते हैं हम लोग, तो इंडिया जो है ये खरीदने जा रहा है MQ-9 रीपर यूएई। देखो यूएवी, देखो जो आप लोग बहुत बार अभी ड्रोन सुनते हो ना, तो मिलिट्री में भी बहुत बार ड्रोन का यूज होता है। अब ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन जो है ना, ये अटैक ड्रोन है, मतलब कि ये ड्रोन जाएगा बम वगैरह कैरी करके और कहीं पे जाकर के अटैक करेगा। तो ये जो ड्रोन जो है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये ड्रोन है, जो कि अमेरिका से खरीदेगा इंडिया। टोटल 30 ड्रोन खरीदने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली जून के महीने में ही, इसी महीने में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ये यूएसए के विजिट पे जाने वाले हैं, अमेरिका जाने वाले हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉ जो स्टेट में है, तो उसको क्या कर रहा है? तो उसको स्क्रैप कर रहा है। देखो कर्नाटका राज्य में एक कानून था, धर्म धर्म, बहुत बार होता है कि लोगों को जो है ना उसका जो धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड एक कानून था, तो उस कानून को जो है खत्म करने जा रहा है कौन? कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट, अगली करंट अफेयर देखते हैं, एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल है राजा, या फिर राजा प्रभा, या फिर मिथुन संक्रांति। तो ये 3 दिन लंबा ये फेस्टिवल है, जो कि वुमनहुड है ना, जो आप बोल सकते हो कि जो नारीत्व जो है, वुमनहुड जो है, इनसे रिलेटेड है, वुमन से रिलेटेड है। तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कहाँ? ओडिशा में, ओडिशा में, याद रखना है ये। अगली करंट अफेयर देखते हैं रामचंद्र गुहा, ये एक हिस्टोरियन है, इनकी किताब मैंने भी पढ़ी है, अच्छी किताब है। तो रामचंद्र गुहा जो है, इनकी एक बुक
बुक का नाम क्या है, रिबेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम। तो ये जो किताब है, ये जो किताब है, इस किताब को एक प्राइज मिल गया है। प्राइज क्या है, तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023। तो ये प्राइज से नवाजा गया है, याद रखना है, रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन है, ठीक है, इतिहासकार है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, जो यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है ना, तो मेटी, तो इन्होंने प्लान किया है कि ये लॉन्च कर रहे हैं क्या, स्टे सेफ ऑनलाइन इनिशिएटिव, गूगल के साथ मिलकर के। स्टे सेफ ऑनलाइन नाम से पता चल रहा है, देखो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे साइबर फ्रॉड हो, आप सुनने में आता है कहीं किसी के बैंक से पैसा चला गया, कहीं किसी की फोटो वीडियो को मिसयूज किया गया। तो इन सब चीजों से हम लोग अपने आप को कैसे बचा सके, अपने आप को ऑनलाइन कैसे सेफ रख सके, तो इसके रिगार्डिंग जो है ये एक इनिशिएटिव है जो कि गूगल के साथ जो है लॉन्च किया गया है। अगली करंट अफेयर है, जापान ने एग्री किया है कि ये देने वाले हैं $2.9 मिलियन, $2.9 मिलियन किनको देंगे, तो UNHCR, फुल फॉर्म याद रखो, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। क्यों देने जा रहे हैं, ताकि रोहिंग्या जो है, जो बांग्लादेश में रहे, आपको पता होगा रोहिंग्या जो है ये म्यांमार से बिलोंग करते हैं, लेकिन म्यांमार में सरकार ने इनके खिलाफ में बहुत सारा एक्शन लिया, तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचा करके बांग्लादेश चले आए, तो बांग्लादेश में इनको रहने में काफी मुश्किल हो रही है, तो जापान उनको कुछ पैसे से मदद करने जा रहा है। नेक्स्ट, अगली करंट अफेयर देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि ये क्या करने जा रहे हैं, जो प्रिजन, जो वहां पे जेल जो है, तो जेलों में कुछ सुधार, तो प्रिजन में कुछ रिफॉर्म करने जा रहे हैं। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ये डिसीजन लिया गया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल, बहुत ही पुराना एंशियंट फेस्टिवल, बिहू कुह, ये काफी एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो है, जो मनाया जाता है वहीं के एक ट्राइब, बहुत ही पुरानी ट्राइब है, पंगसा ट्राइब, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ये फेस्टिवल जून 15 को ये स्टार्ट हुआ है, याद रखना है, बिहू कुह। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, 2 बार जो ऑस्कर, जो पुरस्कार जो है, ऑस्कर जो अवार्ड जो है, ये जीत चुकी एक एक्ट्रेस, नाम इनका क्या है, तो ग्लेंडा जैक्सन, तो 2 बार ऑस्कर जीत चुकी हैं ये, और इनका इनकी जो है वो मृत्यु हो गई है 87 के एज में, तो याद रखना है कि ये बेसिकली एक्ट्रेस है ना, और ऑस्कर इन्होंने 2 बार जीता है। तो ये था 17 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। हमारी एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड PYQ। क्लास ऑक्साइड स्टडी में मैं जीके शेयर करता हूँ और क्लास ऑक्साइड PYQ में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। तो इन दोनों चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।